स्टूडेंट मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर स्लॉगिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं 9th की बायोलॉजी जो कि उर्दू मीडियम में है और बहुत से स्टूडेंट के इशारे पर मैं उर्दू मीडियम के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि जब मेरे स्टूडेंट ऑनलाइन लेक्चर देखने जाते हैं तो उन्हें वहां पे इंग्लिश मीडियम में लेक्चर मिलते हैं। तो आज उनके इशारे पर मैं बायोलॉजी के लेक्चर उर्दू में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 9th की जो बायोलॉजी है उसका जो पहला चैप्टर है वो है बायोलॉजी का तारुफ। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर लेक्चर के बाद आपने मुझे अपना फीडबैक देना है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और आपका फीडबैक मेरे लिए नहायत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी का तारुफ है। बायोलॉजी के तारुफ में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को साइंस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो 8th में थे अब वो 9th में आ रहे हैं। जब वो 9th में आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनको साइंस के बारे में मालूम हो और फिर मज़ीद आगे हम बढ़ते जाएंगे क्योंकि वो 8th तक जनरल साइंस पढ़ते रहे हैं, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। साइंस क्या है? देखिए, साइंस के का वर्ड जब हमारे माइंड में आता है तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें माइंड में आना शुरू हो जाती हैं कि जिसमें हमारी एक जस्तजू होती है किसी चीज़ को जानने के बारे में। तो जब हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस दरअसल फितरत के वो असूल हैं जिनको इंसान जानने की कोशिश करता है। यानी कि जब हम मुशाहदात और तहकीक के ज़रिए जब फितरत के असूलों को समझते हैं तो दरअसल हम क्या पढ़ रहे होते हैं, हम साइंस पढ़ रहे होते हैं। और अगर हम साइंस की बात करें, जब हम साइंस में भी आगे बढ़ते जाएंगे तो साइंटिस्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि साइंस दरअसल एक बहुत ही वसी नॉलेज है। तो उनको आगे मज़ीद उनको साइंस को मज़ीद ब्रांचेज में डिवाइड करना पड़ा जो कि 3 ब्रांचेज हैं। एक है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं ये अलहदा हो जाते हैं। और इसमें एक और भी मैं ऐड कर दूंगा जिसमें रियाजी भी उसके अंदर शामिल है, मैथ भी उसके अंदर शामिल हो जाती है। बात हम करेंगे क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो हम आगे जो प्रोसीड करेंगे वो बायोलॉजी को ही प्रोसीड करेंगे, मतलब आगे हम बायोलॉजी को ही डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी दरअसल एक नाम है लाइफ का, यानी कि जिसमें हम ये साइंस की वो ब्रांच है, ये वो शाख है जिसमें हम ज़िंदगी का मुताला करते हैं, जानदारों का मुताला करते हैं। इस हमारी ज़मीन के ऊपर जितने भी जानदार पाए जाते हैं हम उनका मुताला करते हैं। बात करें बायोलॉजी की तो आप नोटिस करेंगे कि बायोलॉजी दरअसल दो लफ्ज़ से मिलकर बनना है। पहला लफ्ज़ जो है वो है बायोस, पहला लफ्ज जो है वो है बायोस और दूसरा लफ्ज जो है वो है लोगोस। बायोस और लोगोस ये दो लफ्ज जो हैं ये दरअसल यूनानी जबान के लफ्ज हैं। कौन से? यूनानी जबान के लफ्ज हैं, यानी कि ये यूनानी जबान के से माखूज ये दो लफ्ज हैं। बायोस का जो मतलब है वो है जिंदगी और लोगोस का जो मतलब है वो है मुतालिया करना या आप कह सकते हैं वज्जा तलाश करना। तो ये दो में मतलब है बायोस और लोगोस, यानी कि बायोलॉजी दो लफ्ज से माफूर है जो यूनानी अल्फाज से मिलकर बने हुए हैं। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी की एक बहुत ही वसी नॉलेज है। साइंटिस्ट जब बायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उन्हें ये मज़ीद उसको अगर जब गहराई में जाकर स्टडी करते तो उन्हें पता चलता है कि ये बहुत ही बड़ा एक इल्म है। तो किसी एक फर्द बाहर को भी एक सब्जेक्ट पे अबूर हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लिहाजा साइंसदानों ने इसको मज़ीद और ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया है। बायोलॉजी की जो मेन ब्रांचेज हैं वो 3 मेन ब्रांचेज हैं, फिर आगे मज़ीद वो तकसीम होते जाते हैं, यानी तकसीम दर तकसीम डिवाइड और सब डिवाइड वो उसमें आ जाएगा। बायोलॉजी की जो 3 ब्रांचेज हैं, मेन 3 ब्रांचेज हैं, वो पहली जो ब्रांच है वो है जूलॉजी, दूसरी जो ब्रांच है वो है बॉटनी, तीसरी जो ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि
बायोलॉजी की तीन बुनियादी शाखें हैं, जूलॉजी, बॉटनी और मैक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारी जो बायोलॉजी है उसके अंदर तीन बुनियादी शाखें हैं, और हमारी इस बायोलॉजी के अंदर इस जमीन पर पाए जाने जितने भी जानदार हैं हम उन सब का मुताला करते हैं। बायोलॉजी यानी उसके अंदर आप यूं कह लें कि जानवर भी शामिल हैं, उसमें पौधे भी शामिल हैं, उसमें ज़मीन की वो मखलूक जो हमें आम आँख से भी नज़र नहीं आती वो भी जानदारों में शामिल है, उनका भी मुताला बायोलॉजी में शामिल है। जूलॉजी की अगर हम बात करें तो जूलॉजी यानी कि जानवरों का मुताला, और अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में आ जाएगा पौधों का मुताला, यानी कि जूलॉजी जानवरों का मुताला, बॉटनी पौधों का मुताला, और अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी, स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी जो है ये दरअसल एक लफ्ज से निकला है माइक्रो, माइक्रो माइक्रो यानी कि वो जानदार जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ती है। माइक्रोबायोलॉजी दरअसल इस लफ्ज माइक्रो से निकला है, यानी कि वो जानदार जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते उनका जब हम मुताला करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि माइक्रो आप उसको क्या कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दरअसल वो जानदार होते हैं जो हमें आम आंख नजर नहीं आते बल्कि हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वो जानदार होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर डिजीज पैदा करते हैं और इन्हीं पर तहकीक के जरिए ही हम अपने अपने अंदर जो ये डिजीज पैदा करते हैं उनका इलाज हम कर सके हैं इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मुताले की वजह से। तो स्टूडेंट ये जो आज का लेक्चर था आई थिंक ये आज इतना काफ़ी है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, आपका फीडबैक मेरे लिए लाजमी है, आपने मैंने फीडबैक मुझे लाजमी देना है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है तो आपने लाजमी कमेंट करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा। अल्लाह।